और जिनका योगदान हमेशा अच्छे कार्यों में रहा है, उनका आज स्वागत करते हुए डॉक्टर 365 और आर के एच आई एड्स की तरफ से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे मुख्य अतिथि के साथ आपने अभी वाजपेयी जी को भी सुना, वाजपेयी जी ने अच्छे विचार प्रकट किए और हमारी वैशाली जी जो अपने ही कर्म भूमि में बहुत कुछ अच्छे कर्म करके नारी सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं, उनका स्वागत है। और मेरे छोटे भाई एंड ऑफ कोर्स द वेरी एग्रेसिव मैन इन हिज लाइफ डॉक्टर धर्मेंद्र, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि प्रोग्राम तो आपका हम सबका है, इसके लिए हमारे तरफ से डॉक्टर धर्मेंद्र का भी स्वागत है। आज डॉक्टर 365 के साथ मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर 365 और डॉक्टर धर्मेंद्र जो हैं वो सपने जो हैं बंद आंखों से नहीं लेते, खुली आंखों से लेते हैं। और जो सपने खुली आंखों से लिए जाए वही सपने हकीकत में बदलते हैं। इसके लिए ये हर स्टेप हर कदम जो अपना बढ़ाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में बदल जाता है। आप जैसे लोगों के योगदान से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के जैसे कर्म की भावना रखने वाले इंसानों से आज मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई जब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 महिलाओं से आज असिस्टेंट नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम काफी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कहते हैं बहुत ही एक नोबल कार्य है, एक अच्छा कार्य है जहाँ हमारी उन बहनों को सिस्टर्स या कह रहे हैं सिस्टर्स तो सिस्टर्स को खुद को सशक्तिकरण करने का उनको एक मौका मिलेगा, उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो जैसे अभी वैशाली जी ने कहा कि आज हम 200 हैं, 2000 हैं, 20,000 हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं, 10 लाख हैं, तो एक बहुत बड़ी जो है एक ये गिनती बन सकती है, लाइक ए बिग पिरामिड एक्चुअली, और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर साहब आप भी बधाई के बहुत मेहमान हैं। देखिए हमारे इंडस्ट्री के लिए और खासतौर से जो हमारे मीडिया के भाई सामने खड़े हैं, हमने हमेशा डॉक्टर 365 में उनके लिए भी कार्य किया है। मैं डॉक्टर 365 के साथ जो जुड़ा हूँ वो सिर्फ एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देश कुमार नहीं बल्कि कॉमन मैन की तरह जुड़ा हूँ, क्योंकि दिल में भावना होती है कि भाई हमें भी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कैसा कारवां, जो आप लोग मेरे सामने खड़े हैं मेरे मीडिया के हैं, तो मैं अपने आज मुख्य अतिथि से ये कहूँगा कि साहब आने वाले साल के अंदर आपका एक अच्छा योगदान हमारे मीडिया कर्मियों के लिए भी होना चाहिए। जो सामने खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं जिनका परिवार जो है उनको भी बहुत ज़रूरत होती है, तो मीडिया वालों आप मेरे साथ हैं, मैंने ऊपर फोन से कह दिया है। यस यस, तो इनके लिए भी, इनका परिवार है, इनके लिए भी कुछ किया जाए। हम अपने वर्कर्स के लिए करते हैं तो ये भी वर्कर्स ही हैं, तो इनका भी योगदान हमारे इंडस्ट्री में बहुत है और आपका योगदान इनके लिए होना ही चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। एक्चुअली जो बॉलीवुड वाला कैंप होता है तो हम सिर्फ अकेले बॉलीवुड के नहीं रखते हैं, मीडिया इन बॉलीवुड होता है। जी जी, मैं यही बात कहना चाहूंगा, शायद हम दोनों एक दूसरे के विचारों पर पढ़ लेते हैं। मैं यही कहने जा रहा था कि जो कार्यक्रम हम बॉलीवुड 365 करते हैं वो बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड के सभी 22 क्राफ्ट हैं जिसके लिए काम किया जाता है। उस 22 क्राफ्ट में ए टू जेड आ जाते हैं, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर्स, एडिटर्स, वर्कर्स, जितने भी लोग हैं। अब मीडिया भी उसी का एक अंग है, तो मीडिया के परिवार जो है वो हमारा ही परिवार है, उन्हीं सबका ही ध्यान रखा जाता है। और इस साल जो हम बॉलीवुड का 365 कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसका पैमाना, उसका स्केल जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा होगा, जिसमें बहुत सारी हस्तियाँ भी होंगी। हस्तियाँ आती हैं, कोई कुछ योगदान करती हैं, भले अपने समय का योगदान करती हैं, और कुछ ऐसी भी हस्तियाँ होंगी जो हमारे मीडिया से नहीं जुड़ी हुई हैं, हम हमेशा ही उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। तो बीइंग वेरी स्पेसिफिक, आज के इस दिन मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर साहब में एक अच्छी आदत है, तो एक अच्छे गोताखोर की तरह पानी में डुबकी लगाते हैं,
अच्छे अच्छे मोती जो आप जैसे यहाँ बैठे हुए उनको निकाल के ले आते हैं, यहाँ बैठे हैं और एक माला बना रहते हैं, और वो जो माला है वो डॉक्टर 365 के नाम पे ऐसे रख देते हैं। मैं कहता हूँ इट्स अ वंडरफुल टास्क, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑलवेज विद यू, हमेशा साथ में हमेशा रहूंगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। जिसमें एक घंटे प्रतिदिन यहाँ उनके स्टडी कराई जाएगी, जिसमें हमारे प्रोफेसर जैसे डॉक्टर मुकेश आशीष के साथ साथ डॉक्टर डॉक्टर प्राची बेडेकर के साथ साथ हमारे अविनाश के साथ साथ टोटल हमारे 10 प्रोफेसर हैं, जो कि कुछ आ पाए हैं कुछ नहीं आ पाए हैं, उनको यहाँ पे स्टडी कराई जाएगी और मैक्सिमम समय ट्रेनिंग के लिए आपको हॉस्पिटल में भेज करके एक एक चीजें कि जो असिस्टेंट नर्सिंग ट्रेनिंग जो कि नर्स को सपोर्ट कर सके और नर्स के ऑलमोस्ट इक्वली कार्य करके लोगों को कैसे हम भागती दौड़ती जिंदगी में उनको हम फिट कर सके, इस स्किल ट्रेनिंग में एक हम उनके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कि एक बार ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो लड़की एक असिस्टेंट नर्सिंग कोर्स करके और 15,000 से 20,000 की नौकरी पाने में और अपनी जीविका चलाने में अपने पैरों पर खड़ा होकर के लोगों के लिए सेवा करेगी ही और अपने घर को भी एक घर चलाने में अपने पैरों पर खड़े होने में इस कोर्स से उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। पढ़ने की शक्ति कम होने लगती है, सीखने की कम होने लगती है, इसलिए अभी तक तो हमें लगता है अगर इस तरह के कैंडिडेट आते हैं तो उसका भी हम प्रावधान डालना होने के बाद उनको सर्टिफिकेट क्या क्या उनको स्किल इंडिया की तरफ से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि डॉक्टर त्रिशिपाई खुद कैपेसिटी रखता है उनको जॉब देने के लिए। अगर उनको जॉब अगर नहीं मिलता है तो हम खुद उनको एम्प्लॉय करने के लिए हमारी सपोर्ट रहेगी और कम डिप्लॉय कराएंगे। Philip Rao, to be associated with RK365 in this the inaugural program of nursing training, assistant nursing training program. I am बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जून का नियोग मंडल मैं हमारा कुछ योगदान आपके लिए दे सकती हूँ और वुमन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण सबलीकरण और उसके लिए जरूरी है स्किल डेवलपमेंट एंड टू स्किल डेवलपमेंट सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड एंड अकॉर्डिंग टू मी नर्सिंग या नर्स जो फील्ड में जो काम करते हैं दे आर नेक्स्ट टू गॉड। उनका जो डेडिकेशन है उनका जो डिवोशन है उनका जो अपने पेशेंट के प्रति जो एक भाव रहता है सद्भाव रहता है जिस सद्भाव से वो सेवा करती है उससे बड़ी सेवा कोई नहीं करता। तो यहाँ बनाने का या उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम योगदान दे सके इसलिए रविंद्र जी आपने हमें चुना, इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारी संस्था की ओर से जो कुछ आपको सहायता लगेगी हम जरूर करेंगे एंड 2000 नहीं 200 के आगे 2000 उसके आगे 2,00,000 और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम भी बनाएंगे। और जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला मैंने बहुत रिसेंटली इस काम को टेकअप किया है तो मैं धीरज जी को और डॉक्टर साहब को भी बता रहा था तो उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम शेड्यूल है तो मैंने दोबारा सोचा नहीं क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो काम इतना पायस है वो इतना पवित्र काम है जो बाहर से इस काम को देखता है उसे हमेशा लगता है कि इसमें इस तरह के काम में कुछ ना कुछ देवत्व का वास है और इसलिए ये काम बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही खुशी, गौरव और फख्र की बात है कि हम लोग इस काम में आप लोगों के साथ जुड़ पाए। सिडबी, जैसा सौरभ ने बताया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्थान है और हम लोग ऋण तो देते ही हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को, बट हमारा एक बहुत बड़ा ओरिएंटेशन और इनिशिएटिव जो रहता है वो इन कामों के लिए रहता है कि हम एम्पावरमेंट कर सकें, हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, हम लोगों को तैयार कर सकें कि वो आगे बढ़ कर के कुछ और बड़ा कर सकें, लाइवलीहुड से जुड़ सकें। तो इसी क्रम में सिडबी ने एक संस्था का भी की स्थापना की है, जिसे सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन कहते हैं। तो उसका पूरा काम यही है कि वो CSR एक्टिविटीज कर पाए। तो CSR एक्टिविटीज दो, इट इज नॉट मैंडेटेड फॉर सिडबी स्टैट्यूटरी, बट हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म की है और वो कंपनी जो है CSR की एक्टिविटीज को ध्यान देती है, और इसके तहत हम लोग इस काम में आपके साथ जुड़े हैं। जिस काम के लिए हम लोग जुड़े हैं उसका इम्पोर्टेंस इज नॉट हिडन, आई मीन एनीबॉडी कैन सी दैट इम्पोर्टेंस, पर्टिकुलरली जो कोविड में हम लोगों ने देखा 2020 के बाद, 2030 के बाद, और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है कि नर्सिंग, मेडिकेशन, चिकित्सा, इन सारे मामलों में लोग हरमेन जी के साथ हमने एक और प्लान किया कि जिसमें हमने चाहता कि कुछ, क्योंकि कोविड के बाद हमने सबने देखा कि नर्सिंग में बहुत स्कोप है, बहुत रिक्वायरमेंट है और अभी भी काफी जगह है जो खाली है। तो जो हमारे यूथ हैं, स्पेशली विमेन जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ है और जिनको रोजगार की जरूरत है, तो उसमें एक सेक्टर जिसमें कि आपके HIV एड सेंटर का एक्सपर्टीज है, तो वहां हमने एक प्लान डिवाइस किया कि हम 200 लोगों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दें। एक साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, डिफरेंट बैचेस में होगा, जिसमें से पहला बैच जो 30 का है वो यहां से इसी जगह से शुरू हो रहा है, और 200 लोगों को ट्रेनिंग दे करके उन सबको एम्प्लॉयड किया जाएगा अच्छे हॉस्पिटल्स में। कुछ पार्टिसिपेंट अभी यहाँ पर भी मौजूद है, तो आज के HIV सेंटर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं ट्रेनिंग के लिए, जो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, आप सबको ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए एंड अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाइए। थैंक यू।